ज्ञानवापी विवाद में दो नए वीडियो सामने आए हैं और लगातार हिंदू पक्ष ये दलील पेश कर रहा कि वुजू खाने में शिवलिंग मौजूद है और सर्वे में ये पाया भी गया है। अब चार प्रमाण जो हिंदू पक्ष पेश कर रहे हैं उसमें पहला प्रमाण आपके सामने जो एक नए वीडियो में नजर आ रहा जिसमें कि नंदी का मुख वुजू खाने की तरफ वही इस वीडियो में साफ नजर आ रहा जो कि वुजू खाने से लिया गया है वीडियो कि ठीक नंदी के सामने वुजू खाना मौजूद है। और दूसरा प्रमाण हम लगातार आपके सामने की करके सारे प्रमाण रख रहे हैं, चार प्रमाण जो हिंदू पक्ष ने पेश किए, मुख जो है शिवलिंग की तरफ है, ये वीडियो सामने आया है, खासतौर पर नंदी के सामने ही वुजू खाना मौजूद है। और तीसरा जो प्रमाण है वो हिंदू पक्ष दावा कर रहा, वो भी कल का एक वीडियो के जरिए से ये दावा हुआ और ये वीडियो में सामने आया जिसमें दावा है कि ज्ञानवापी के वुजू खाने में जो आकृति नजर आ रही है वो आकृति दरअसल शिवलिंग है। तो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया और अब कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके पहले हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पहला वीडियो आपके सामने होगा जिसमें कि नंदी जी के सामने शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा भी कर रहा, यानी नंदी के ठीक सामने वुजू खाना है। दूसरी तस्वीर वुजू खाने की, इस तस्वीर में शिवलिंग जैसे आकार की चीज नजर आ रही, मुस्लिम पक्ष तस्वीर में दिख रहे चीज को फव्वारा बता रहे, तो वही हिंदू पक्ष को कह रहा है ये शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है। तो वुजू खाने में शिवलिंग का सबसे बड़ा प्रमाण हम कह सकते हैं। जी न्यूज आपको लगातार एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखा रहा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग या फिर फव्वारा, इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने साफ कह दिया कि अगर मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है तो चला के दिखा दे फव्वारे को। तो वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नागेंद्र पांडे, उन्होंने कहा कि जो आकृति नजर आ रही है वो आकृति ही दरअसल शिवलिंग है। तो लगातार जो हिंदू पक्ष के दावे हैं उसमें साफ तौर पर कहा, और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने क्या कहा हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं, फिर से सुनवाएंगे। हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनका कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष को ये शिवलिंग फव्वारा नजर आ रहा है, इसको फव्वारा बता रहे हैं, तो इस फव्वारे को जरा चलाकर दिखा दे। और इस बीच एक बड़ी न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले में। हिंदू पक्ष की अर्जी, अजय मिश्रा को बहाल करने की मांग उठी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। कल कोर्ट ने पद से हटाने का आदेश जारी किया था और अब ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने अर्जी दी है और वो अर्जी दरअसल क्या है, अजय मिश्रा को बहाल किया जाए, इस मांग को उठाया गया है। कल कोर्ट ने पद से हटाने का आदेश दिया था, तो ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में एक अर्जी लगा दी है और मांग उठाई कि कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्रा को बहाल किया जाए, रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा जाए, क्योंकि मस्जिद की सर्वे के दौरान वो वहां पर मौजूद रहे थे। तो यहां पर हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में एक अर्जी लगाई, मांग उठाई है इस अर्जी के माध्यम से कि कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्रा को बहाल कर दें और रिपोर्ट सौंपने के लिए उनको कहा जाए, क्योंकि मस्जिद की जब सर्वे हुई उस दौरान वो वहां पर मौजूद रहे थे। तो यहां पर इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मामले में एक अर्जी लगाई गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। तो इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है वो या फिर फव्वारा है, इसको लेकर लगातार विवाद गहराता ही जा रहा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है तो चलाकर दिखा दे। देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष कहता है फव्वारा है तो उसको चला के दिखा दें उस फव्वारे को, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये जांच का विषय है, इसीलिए हमने एप्लीकेशन डाली कि वहाँ नीचे जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको खोला जाए और नीचे जाके शिवलिंग का आकार और सारी चीज़ें हमें नापने की परमिशन दी जाए, जिस पर माननीय न्यायालय हियरिंग कर रहा है। आज डेट लगी थी, स्ट्राइक थी, इसकी वजह से आज हियरिंग नहीं हो पा रही है, जो मुझे यहाँ पे मेरे ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स ने बताया है। और इसमें जो फर्दर डेट होगी हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। फव्वारा है कि शिवलिंग है ये कोर्ट के सामने है, जांच का विषय है। नहीं, वो तो निश्चित रूप से वो शिवलिंग ही है,
वहाँ फाउंटेन न कभी था न कभी रहेगा न कभी हुआ, क्योंकि फाउंटेन की ज़रूरत अलग होती है, कहीं भी बजू खाने में फाउंटेन नहीं रहता है। और ये 20x20 के छोटे से एरिया में फाउंटेन रखने की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये सब कुतर्क है, सच ये है कि वो गर्भगृह का मध्य हिस्सा है और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग ही हो सकता है, और वो जो मिला है उसको ज्योतिर्लिंग मानने में कहीं कोई शक शुबा नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर लगातार, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दरअसल खबर यह है कि जो ज्ञानवापी मामला है उसमें हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में एक अर्जी लगाई। इस अर्जी में मांग उठाई कि कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्र को बहाल कर दो, रिपोर्ट सौंपने के लिए उनको कहा जाए, क्योंकि मस्जिद की सर्वे के दौरान अजय मिश्र वहां पर मौजूद रहे थे। लिहाजा ये मांग उठाई इस अर्जी के माध्यम से कि कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्र को उनके पद पर बहाल किया जाए, रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया जाए, क्योंकि मस्जिद की जब सर्वे हुई थी उस दौरान अजय मिश्र वहां पर मौजूद थे। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वाराणसी कोर्ट में एक अर्जी लगा दी गई है, मांग उसके माध्यम से उठाई गई कि अजय मिश्र जिनको हटाया गया कोर्ट कमिश्नर के पद से, उनको उनके पद पर बहाल किया जाए, क्योंकि जब हाल ही में ज्ञानवापी के सर्वे हुए उस दौरान अजय मिश्र वहां मौजूद रहे थे, उनको कहा जाए रिपोर्ट सौंपने के लिए। एक अर्जी इसी के लिए लगाई गई है और मांग उठाई गई है कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए अजय मिश्र को उनके पद पर बहाल कर दिया जाए, रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया जाए। तो आखिरकार वजू खाने की जो दीवार है वो क्यों तोड़ी जाए, इसके पीछे हिंदू पक्ष ने क्या क्या दलील दी है वो आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं। वो दलीलें आपके सामने एक एक करके सामने आएंगी। शिवलिंग की लंबाई ऊंचाई पता लग पाए वजू खाने की दीवार टूटेगी, तो हिंदू पक्ष की दलील है कि जो शिवलिंग की लंबाई है उसकी ऊंचाई है उसके बारे में मालूम चल पाएगा। दूसरी दलील, दीवार तोड़कर तालाब की वीडियोग्राफी हो जाए, कि दो दलीलें अब तक की। और तीसरी बड़ी दलील क्या है वो आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं। तीसरी दलील है कि मलबा हटाकर पूरी जो जांच है वो हो पाएगी। और चौथी बड़ी दलील, शिवलिंग का पूरा सच खुलकर सामने आ पाएगा, इसीलिए वजू खाने की दीवार टूटनी चाहिए, हिंदू पक्ष की पांच दलील। और पांचवी दलील, शिवलिंग के पास की दीवारों की पूर्ण जांच हो। हिंदू पक्ष की जो पांच दलीलें हैं वो हम आपको एक एक करके फ्लैश करके विस्तार से बता रहे हैं। तो ज्ञानवापी पर सियासत तेजी के साथ बढ़ती हुई, तो वही आरएसएस से कह दिया कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि मंदिर को हिंदू राजा ने ढहवा दिया था। अलग अलग दलीलें, राजनीति इस मामले पर गर्माती हुई। शांतिपूर्वक इन सब का सत्य और सही सामने आने दे, फिर उस सत्य और सही के आने के बाद बिना उत्तेजना और बिना तनाव के उस पर समाधान के लिए न्यायपालिका की भी तरफ देखें, और अगर योग्य कम्युनिटी संवाद शुरू हो सकते हैं तो उस समाधान की ओर भी प्रयत्न करें। किसी सिपाही को मार दिया जाए तो पूरा क्षेत्र घेरे में लिया जाता है, कार्डोन किया जाता है, जैसे कश्मीर किया जाता है, जैसे नागालैंड में किया जाता है, ये होता है। ये राज सत्ता करती है तो घेरा गया और उसमें उन संतों की हत्या की गई जो लोग उसके देखभाल करते थे, और उन राणा ज्ञान सिंह ने उस मंदिर को विध्वंस किया और उसके बाद औरंगजेब की अनुमति से वहां पर मस्जिद बनाने का आदेश किया गया। ये है इतिहास। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.